हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार और आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हार्ट की फंक्शन के बारे में, हार्ट काम कैसे करता है, ईसीजी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। आज इस क्लास में हम ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ढेर सारे बच्चों का फायदा हो सके। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स की बात अगर जो हम करें तो ब्लड का पूरा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक पतली पतली नलियों के द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड का। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये होंगी आपकी हॉलो होंगी तभी तो यहाँ पे ब्लड मूव करेगा। ट्यूबुलर है, ट्यूब लाइक वेसल्स है, कंडक्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट और बैक टू द हार्ट, यानी हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स को ले जा रही हैं। साथ ही साथ ये क्या कर रही हैं कि ऑर्गन से हार्ट को फिर लेके आ रही हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये तीन तरह की होती हैं। सबसे पहली है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज, ठीक है? तो इसको हम लोग सीक्वेंस से ऐसे ही पढ़ेंगे। आर्टरीज क्या होती हैं सबसे पहले इसको जानेंगे, फिर वेन्स के बारे में समझेंगे और फिर कैपिलरीज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज कैसी होती हैं? तो आर्टरीज होती हैं भैया, देखो थिक वॉल्ड होती हैं, यानी इनकी जो वॉल होगी वो थिक होगी। जैसा कि आप लोग इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि आर्टरी की जो वॉल है वो कई लेयर से मिलकर के बनी हुई है, क्योंकि ये मस्कुलर होती है, ये क्या होती है, थिक होती है। ये ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। हमने आपको बताया था, जब मैं आपको हार्ट बता रहा था तो उसमें आर्टरीज और वेन्स के बारे में भी हमने बताया था। एक पॉइंट पे बताया था कि वे वेसल्स जो हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को उन्हें हम आर्टरी कहेंगे, और जो ब्लड जो है हार्ट की तरफ आएगा उसे हम वेन्स कहेंगे। यानी बहुत बड़ा अंतर, यही अंतर है कि आर्टरी जो होंगी वो हमेशा हार्ट से दूर लेके जाएंगी, जबकि वेन्स क्या होंगी, हार्ट की तरफ लेके आएंगी। ये इलास्टिक होती है नेचर में, यानी ये खींच सकती हैं। इनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है। इस बात को आप जब याद रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नैरो ल्यूमन होने के कारण ही यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। ल्यूमन जो होगा वो नैरो होगा तो कैसा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। यानी कि जो सरफेस एरिया है या उसका वॉल्यूम बता दें हम, आपका ब्लड का वॉल्यूम जो है वो निकलने का रास्ता अगर जो कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। और दूसरी चीज होती है डीप सीटेड होते हैं, ये हमारे टिश्यू में धंसे हुए होते हैं, ये डीप सीटेड होते हैं, ऊपर ऊपर जो हमको हमारे बॉडी में दिखाई देती है वो वेन्स होती हैं, वो डीप सीटेड नहीं होती हैं, ठीक है? तो हमारे बॉडी में जितने भी हार्ट से दूर जाने वाले कैपिलरीज हैं, जितने भी हार्ट से दूर जाने वाले वेसल्स हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, उन्हें हम कहेंगे आर्टरीज। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग आते हैं कैपिलरीज के ऊपर। कैपिलरीज देखिए क्या है, ये जो आर्टरीज हैं ये फर्दर डिवाइड होती रहती है और फर्दर डिवाइड होंगी, तो आर्टरीज डिवाइड होके एट्रियोल्स में कन्वर्ट होंगी और पतली हो जाएंगी और डिवाइड होंगी और डिवाइड होंगी, तो बहुत पतली सी पतली जो है कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। हमको कैपिलरी देखना, तो हम कैसे देखेंगे कि हम अगर देखें अपनी आंखों में तो आंखों के किनारे किनारे ये पतले पतले धागे जैसे हमको दिखाई देंगे। यहाँ पे हमने इसको जूम करके दिखाया हुआ है,
ये पतले पतले जो धागे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या? यही कैपलरीज हैं, ब्लड कैपलरीज हैं, इनमें ब्लड बहता है। अब देखिए, जो वेसल्स हैं जो फर्दर डिवाइड हो चुकी हैं, जो आपकी आर्टरीज है या वेन्स है जो फर्दर डिवाइड हो चुकी है, वो डिवाइड होते होते बहुत ही पतले जो है वो नली में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत ही थिनेस्ट वेसल्स होती हैं, लगभग इनका जो डायमीटर होता है वो 70 माइक्रोमीटर होता है, 70 माइक्रोमीटर या एमएम लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, 70 माइक्रोमीटर होता है। एंड देयर वॉल आर फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ इंडोथिलियल सेल्स। इंडोथिलियल जो सेल्स होती हैं उन्हीं से बना होता है ये, और उसकी सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर होती है। दे फॉर्म कनेक्टिव लिंक बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, वेन और आर्टरी के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनाती हैं। ठीक इसी तरह से ये देखिए, रेड कलर की आर्टरी है और ब्लू कलर की वेन है, तो ये जो फर्दर डिवाइड होते होते बहुत पतली पतली हो जाती हैं, तो आर्टरीज और वेन्स जो है वो एक दूसरे से जा करके जुड़ जाती हैं। इसी फर्दर जो डिवाइडेड पतली पतली कैपलरीज हैं, इन्हीं कैपलरीज को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्लड कैपलरीज कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं वेन्स के ऊपर। अब ये जो एट्रियोल हुआ, एट्रियोल जुड़ गया है जा करके वेन्यूल से। वेन्यूल का मतलब क्या हुआ कि वही जो पतली पतली कैपलरीज हैं जो अब आगे जा करके वेन्स बनाएंगी, मोटी हो जाएंगी, तो वो वेन कहलाती हैं। और वेन क्या होंगी, हार्ट की तरफ लेके आएंगी, बॉडी से ब्लड को लेके आएंगी, कहाँ पे, हार्ट की तरफ लेके आएंगी। तो वेन्स कैसी होंगी, ये थिन वॉल्ड होंगी, थिन वॉल्ड, इनकी वॉल पतली होगी। दूसरी चीज, यहाँ पे ब्लड जो है वो बैक टू द हार्ट आएगा, हार्ट की तरफ आएगा। साथ ही साथ दे आर लार्जर। अब ये लार्जर इनका जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्जर होगा, यानी कि जब लार्जर होगा तो इसका मतलब है कि ब्लड का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। अगर जो एरिया ज्यादा है आपके पास तो प्रेशर क्या होगा भाई, प्रेशर जाहिर सी बात है कम होगा। तो यहाँ पे लार्जर एरिया होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है, यानी वेन्स में ब्लड प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा, और आर्टरी में ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको रखना है, याद रखना है। तो दे हैव लेस इलास्टिक, और ये लेस इलास्टिक होती हैं और साथ ही साथ लेस मस्कुलर भी होती हैं, यहाँ पे मसल्स भी बहुत कम पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, क्या करने के लिए भैया, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि जो ब्लड कलेक्ट होके हार्ट की तरफ जा रहा है वो ऐसा ना हो कि बैक फ्लो हो जाए, फिर से वहीं चला जाए जहां से वो कलेक्ट किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्व की जरूरत होती है। देखिए, आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। कैसा बहता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है तो वो पूरे बॉडी में अपना ट्रांसपोर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे बैक फ्लो भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आपका वेन्स होता है वो कैसा होता है, उसमें कौन सा ब्लड बहता है, उसमें बहता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा तो आप सोचिए जरा क्या होगा, कि जहां पे हमको ऑक्सीजन की जरूरत है वहां कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट किया है। देखिए, वॉल प्रेजेंट किया और ऐसा वॉल बनाया है कि एक ही तरफ इसका मूवमेंट हो। अगर ये बैक फ्लो होता है एक दूसरी तरफ अगर जो आने लगता है, तो ये वॉल्व क्या हो जाएगी बेटा, ये क्लोज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे वॉल्व जरूर प्रेजेंट होगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? फिगर बना लीजिएगा, जरूर से इसका फिगर बना लीजिएगा, आर्टरी और वेंस का। और एक आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, आर्टरी और वेंस में डिफरेंस क्रिएट कर लीजिएगा। होमवर्क आप इसी वक्त लिख लीजिए, आर्टरी और वेंस में क्या करना है आपको, डिफरेंस लिखना है। ये बात याद रख लीजिए। ये जो हमने यहाँ पे फिगर दिया है, इस फिगर देने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस चीज को हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, देख लीजिए एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहा है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ।
तो अब ये आप मान लीजिए ये हमारा हर्ट है, ठीक है, ये हर्ट मान के ले है ही, तो ये हर्ट है और इस हर्ट में है हमारे चार चेंबर, ठीक है। तो ये आपका राइट वाला चेंबर हो जाएगा, राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला जो हो गया है लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अब देखिए पूरे बॉडी से जो है वो ब्लड बह करके आता है, यानी ऊपर से नीचे से हर जगह से ब्लड आएगा, आपके राइट एट्रियम में आकर के कलेक्ट होगा। जब राइट एट्रियम में आके कलेक्ट होगा तो नीचे यानी राइट वेंट्रिकल का ये जो ओपनिंग है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये खुल जाएगा और खुल करके आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल पुश करेगा, यानी जो प्रेशर बनाएगा तो पुश करेगा, तो आपका ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बंद हो जाएगा, बैक फ्लो रोक दे रहा है, बंद हो जाएगा, लेकिन वो फ्लो कर देगा आपके पल्मोनरी आर्टरी में, ये पल्मोनरी आर्टरी में आपके फ्लो कर देगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? अब पल्मोनरी आर्टरी में जब फ्लो करेगा तो ये चला जाएगा लंग्स में, दोनों तरफ देखिए लंग्स में चला गया, लंग्स में जाएगा तो यहाँ पे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। जब ऑक्सीजन को ले लेगा तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो आएगी कहाँ पे? आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आई, लेफ्ट एट्रियम जब फुल हो गया, प्रेशर बनाया, नीचे बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसमें ओपन हुआ, उसमें आ गया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका भर गया तो अब ये प्रेशर बनाएगा, अब प्रेशर बनाएगा तो बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। जब बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा तो क्या होगा? अओर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में अब ये फैला देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, उस ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाएगा, हर जगह लेके जाएगा, यानी ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये चीज हमने आपको वहां भी समझाया था और यहां भी एक बार आप समझ लिए हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम सिस्टम देखते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब ये आप कहोगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है सर, ये एक नया सिस्टम मिल गया हमको। देखिए भैया ये लिम्फेटिक जो सिस्टम है ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे बॉडी में। दो महत्वपूर्ण योगदान मैं आपको बता दूं। पहला तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, या हम कहें ये हमारे इम्यून सिस्टम का कोर जो है सिस्टम है, कोर सिस्टम, मेन सिस्टम जो हमारे इम्यून सिस्टम का लिम्फेटिक सिस्टम है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में बहता है, देखिए ब्लड वेसल्स में जब बह रहा होता है तो क्या होता है कि वेसल्स से जो हमारे ब्लड का प्लाज्मा है वो ऊज आउट होकर के निकलता रहता है। ऊज आउट होके क्या करेगा? निकलता रहता है। तो वो निकलने से क्या होगा कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो टिश्यू में कलेक्ट होने लगता है, और हमारे ब्लड में से प्लाज्मा का जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाने लगेगा। जब कम होगा और फिर से ब्लड प्लाज्मा नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्लड हमारा बहुत थिक थिक और थिकर होने लगेगा, ऐसा हो जाएगा, एक समय आएगा कि ड्राई हो जाएगा। तो जब ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, जब ड्राई हो जाएगा हमारा ब्लड, या बहुत थिक हो जाएगा हमारा ब्लड, तो क्या हो जाएगा? ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा ना भाई। तो इसी को रोकने के लिए एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो फ्लूइड बाहर आ गया है उस फ्लूइड को फिर से कलेक्ट करके इसी जो है आपके वेन्स में, यानी फिर से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ले आकर के डाल देने का काम जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम करता है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एसेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को सहायता देने वाला सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट लिम्फ फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू में जो फ्लूइड भर गया है उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो जगह खाली है, उस खाली जगह में जो टिश्यू में भर गया है स्पेस में लिम्फ, उस लिम्फ को फिर से जो है ब्लड में ले जाने का काम करती है लिम्फेटिक सिस्टम। और इस लिम्फेटिक सिस्टम में तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा लिम्फ, दूसरा लिम्फ वेसल्स, और तीसरा लिम्फ नोड। तो देख लीजिए ये हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है।
ठीक उसी तरह से सिस्टम बना हुआ है जिस तरह का सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। जहां जहां पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां वहां पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट है। आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ठीक है, ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है और हर जगह आपको ये वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, पतले पतले वेसल्स दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको कुछ छोटे छोटे नोड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, चेहरे पे देखिए, यहाँ पे नोड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नोड है। तो ये नोड्स जो है यही है लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फ नोड, इन्हीं को कहा जाता है। वेसल्स आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ इसमें जो बहने वाला पदार्थ है उसे ही हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं लिम्फ क्या चीज होता है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है। तो ब्लड और लिम्फ में देख लीजिए डिफरेंस क्या है, ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉ कलर का होता है। कैसा होगा, ये स्ट्रॉ कलर का होगा। साथ ही साथ जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान में रखिएगा, ये भी क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फॉर्म बाय द ब्लड बाई पैसेज ऑफ सब्सटेंस थ्रू द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्हीं के वॉल से निकला हुआ जो इंटरसेलुलर स्पेस में जमा हुआ है और निकला किससे है, ब्लड कैपिलरी से निकला हुआ प्लाज्मा है। क्लियर हुआ, क्या है, प्लाज्मा है, उसी ब्लड का प्लाज्मा है। लेकिन इसमें प्लाज्मा में क्या चीज नहीं होता है, इसमें प्रोटीन्स, जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड फिल्टरेशन। डिफ्यूजन और फिल्टरेशन जब ब्लड का हो जाता है उन्हीं कैपिलरीज के द्वारा तो ये बनते हैं। इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं क्योंकि ये सेल के आउटसाइड में पाया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में हम लोगों ने वो 9th क्लास में जब टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने आपको लिम्फोसाइट बताया था। तो लिम्फोसाइट क्या होती है, स्पेशल टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, जो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में ये फाइट करती हैं। कोई भी वायरल हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उनके अगेंस्ट में ये लिम्फोसाइट क्या करेंगी, फाइट करेंगी, लड़ेंगी। यानी हमारे बॉडी के ये गार्ड हैं, सेनाएं हैं, ठीक है। तो ये सेनाएं बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से हमारे बॉडी की रक्षा करती हैं। क्लियर हो रहा है। इट डिफर फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग रेड ब्लड कैप्सल्स, यहाँ पे RBC नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट नहीं पाया जाता है और कुछ प्रोटीन भी हैं जो नहीं पाए जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग लिम्फ वेसल्स की, जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। क्लियर हो रहा है। लिम्फ वेसल्स जो होंगे वो सिंगल सेल थिकनेस होंगे, एक ही सेल की इनकी थिकनेस होगी, यानी जो बने हुए होंगे वो सिंगल सेल थिकनेस होंगे। लिम्फ वेसल ज्वाइन टूगेदर फॉर्म बिगर लिम्फ डक्ट, यानी ये बहुत बड़े बड़े लिम्फ डक्ट बनाएंगी। कैसे, जो पतली पतली लिम्फ वेसल्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन करके एक मोटी बड़ी डक्ट बनाएंगी। लार्ज वेसल्स कॉल्ड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, यानी हमारे लेफ्ट पार्ट में जो बन रहा होगा सबसे लिम्फेटिक डक्ट, मोटा वाला जो डक्ट है, और राइट में जो बन रहा होगा वो राइट वाला डक्ट कहलाएगा। ओपन इनटू वेनस सिस्टम, वेनस सिस्टम का मतलब हो गया वेन्स में ये ओपन होगी। हर जगह से कलेक्ट कर लिया, पूरे बॉडी से कलेक्ट कर लिया, लिम्फेटिक डक्ट में आ गया, लेफ्ट वाले में आ गया, राइट वाले में आ गया, और लेफ्ट और राइट दोनों मिल करके जाके कहां गिराएंगी, जो वेन्स वाला सिस्टम है, जो वेन है, जो वेन लेके जा रही है हार्ट में जा रही है, मेन वेन, जैसे वेना केवा की बात किया हमने, तो वेना केवा क्या करेगी, वेना केवा में ये ले जा करके पूरे लिम्फ को पोर कर देंगी। लिम्फ वेसल्स डू नॉट हैव एनी मसल्स, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी तरह की मसल्स नहीं पाई जाती है और यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं, इनके अंदर वाल्व क्या होंगे, पाए जाएंगे,
ठीक है, वॉल पाए जाएंगे ताकि बैक फ्लो ना हो जाए एक तरह, एक बार तो कलेक्ट किया किसी तरह से जान लगा करके और वही बैक फ्लो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए नेचर ने यहाँ पे वॉल्व डेवलप किया ताकि यहाँ पे सिर्फ यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो सके। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है, लिम्फ इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ मसल सराउंडिंग बाय द लिम्फ वेसल। और लिम्फ जो है वो लिम्फ वेसल्स में कैसे आता है, तो जो सराउंडिंग में उसके मसल्स पाई जाती हैं उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसी के कारण ये लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ पहुंच जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, और सर्कुलेट होकर के अलग अलग जो है वो एक डक्ट में जा करके मिलते हैं, चाहे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में मिलेगा चाहे राइट लिम्फेटिक डक्ट में मिलेगा, और ये लिम्फेटिक डक्ट फाइनली जो है वो वेनस सिस्टम में जा करके मिल जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पे समझिए, जैसे समझ लीजिए कि ये वेन है, ये आपका आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड बह रहा है। जब ब्लड बहेगा भैया तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकल के आएगा आपका लिम्फ। ठीक है, यहां से लिम्फ निकल के आया, लिम्फ निकल के कहाँ आया, ये इंटरस्टिशियल टिश्यू जो आपके जगह बनी हुई है स्पेसेस हैं यहाँ पे आकर के ये जमा हो जाएगा। जब जमा हो जाएगा तो वहीं पे आपका पाया जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स, जो पतले पतले वेसल्स हैं वो पाए जाएंगे। अब इन्हीं टिश्यू के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि ब्लड कैपलरी से निकला है वो अब इसके अंदर चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये कलेक्ट होने लगा, ऐसे धीरे धीरे कलेक्ट होते होते अब ये मेन डक्ट में जाता है, और मेन डक्ट जो है वो फाइनली क्या होगा, वेन्स में खुल जाती है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक नोड की। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे फिगर में आपको देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी गांठ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये गांठें जो होती हैं, ये नोड्स जो होते हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल इनलार्ज एट ए सर्टेन प्लेसेस, कुछ कुछ जगहों पे ये इनलार्ज हो जाती हैं, कैविटीज का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है, जैसे यही ब्लड जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो कहीं कहीं पे स्वेल कर जाएंगी। ठीक है, स्वेल कर जाएंगी और एक कैविटी का फॉर्मेशन करेंगी। अब वो कैविटी जो है वो एक नोड कहलाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, लिम्फ नोड कहेंगे। लिम्फ नोड्स आर लाइंड बाई विद द फैगोसाइटिक सेल्स, यहाँ पे क्या होंगी, फैगोसाइटिक सेल्स होंगी जो कि इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को इनगल्फ करती हैं, और बहुत सारे लिम्फो साइट भी पाए जाएंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद है आपका लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट जैसा कि हम लोग जानते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। क्लियर हो गया। अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अदर अदर जर्म्स एंड अटैक देम, जो बैक्टीरिया और अदर जर्म्स हैं, चाहे वायरस हो गया चाहे बैक्टीरिया हो गया, ये जर्म्स के ऊपर क्या करेंगी, अटैक करेंगी, कौन, एंटीबॉडी अटैक करेंगी और उनको खत्म कर देंगी। तो लिम्फोसाइट बिकम मोर एक्टिव ड्यूरिंग इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट जो होंगी वो एक्टिव कब होंगी, भाई एक्टिव तभी होंगी जब बाहर से कोई आतंकवादी आएगा, जब आतंकवादी आएगा तभी तो हमारी सेना एक्टिव होगी, नहीं तो पड़ी रहेगी अपना देखती रहेगी, भाई कोई आ तो नहीं रहा। और जब अंदर कोई आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, गोला बारूद तुरंत चालू, तोप लग जाएगी वहां पे। ठीक है, तो इन्फेक्शन जब होगा तभी ये मोर एक्टिव होंगी और इंक्रीज हो जाएगा इनका साइज में, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, भाई बटालियन और आ जाएगी, अभी तो खाली देखने वाले सेना थे, अब क्या है, अब बटालियन और बुला लीजिए, क्योंकि भाई वहां पे इन्फेक्शन हो गया, ये जो टेररिस्ट का जो है इन्वेड हो गया है, अंदर आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमको करना, जिसके कारण से हमको टॉन्सिल हो जाता है। हमको देखिए जो टॉन्सिल होता है हमारे गले पे जो टॉन्सिल होता है वो हम देखते हैं, यही टॉन्सिल जो है वो पेनफुल भी हो जाता है ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो टॉन्सिल हमारा बहुत पेन करता है, तो इसी कारण होता है, क्योंकि वहां पे लिम्फोसाइट की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, रेडनेस भी आ सकता है, गर्म भी हो सकता है, और उसके बाद में उसका साइज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे ढेर सारे इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन के कारण जो है वहां पे ढेर सारे लिम्फोसाइट जमा हो गए हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, देखिए हमारे बगल में भी यहाँ पे
आपको नोट्स इस तरह से आपको दिखाई देंगी। अब इसको जब हम लार्ज करके देखेंगे तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें देखिए इम्यून सिस्टम के सारे जो है सेल बी सेल टी सेल मैक्रोफाज और जो है डेंड्राइटिक सेल सारे तरह के प्लाज्मा सेल सब तरह के सेल्स जो है इसके अंदर पाए जाएंगे। ये देख रहे हैं फिगर। और इसका जो मोर डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप एमबीबीएस करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज ये आपका ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स जो है वो खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम लोग जो है वो एक्सक्रीशन देखेंगे। एक्सक्रीशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में देखेंगे। ये वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे नए नए वीडियोस का तुरंत और सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।